प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ाने को लेकर गहलोत सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना की शुरुआत की है। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को सेमार में जनाना अस्पताल की दो प्रसूताओं को बेबी किट सौंपकर योजना की शुरुआत की और इसके बाद से जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को पिंक कलर का बेबी किट मिलने लगेगा और साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई 2020 से नीले रंग का किट दिया जाएगा। और इस योजना में राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। इस योजना में प्रतिवर्ष करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए राज्य बजट में सीएम गहलोत ने इस योजना की घोषणा की थी। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर सुभाष गर्ग, ACS चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह, नरेश कुमार ठकराल सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। प्रियदर्शनी किट की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत की। सेमार से इस अभियान की शुरुआत हुई।